देखिए, फिट रहना है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी और फिटनेस चैलेंज की शुरुआत एक बार फिर से आपको बता दें, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा की गई थी पिछले महीने, जब 22 मई को ट्विटर पर एक वीडियो उन्होंने शेयर किया फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, आम लोगों की फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन शुरू की गई है। तीन तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की है, वहीं उन्होंने जो नॉमिनेट किया था विराट कोहली को, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और विराट कोहली ने भी अपना वीडियो शेयर किया था। पुशअप्स करते हुए खेल मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो आज ही आई है, प्रधानमंत्री योग करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए। इन तस्वीरों के जरिए आम लोग जो हैं उन्हें फिट रहने की प्रेरणा देने की कोशिश की जा रही है। भूले नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ 5 घंटे ही आराम करते हैं। ऐसे में इतना व्यस्त होने के बावजूद प्रधानमंत्री एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए समय निकालते हैं। और ज़रूरी हो जाता है कि हेल्दी रहने के लिए आप भी अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। पीएम के फिटनेस वाले वीडियो पर खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री फिटनेस को लेकर इतने जागरूक हैं तो इसका सीधा सा मतलब है पूरे देश को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। पहली बार है भारत में कि प्रधानमंत्री एक तो खुद अपना वीडियो डाल रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, एक तरह से पॉजिटिविटी है इस पूरे कैंपेन के अंदर। अपने काम के अंदर से थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कैंपेन है भारत के लिए। भारत के अंदर जो फिटनेस की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ जो एक अवेयरनेस आ रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी आ रही है। मुझे याद है कि कई साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो बहुत मीठी चीनी वाली चाय पिया करते थे। आजकल डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है गाँव तक कि लोग वहाँ पर भी बहुत कम पीते हैं या फीकी चाय पीते हैं। तो एक अवेयरनेस है स्वास्थ्य की।